वो दो और उनको देना शुरू कर दिया अब 5 साल के लिए, और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया, तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया, और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं, तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही ना किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं, कुछ आइडिया था। अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही, कोई बतवा माने थे? एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे, अब आजकल बोल रहे हैं ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि ये ठीक नहीं है, और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए, इसलिए बैठिए आराम से। आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, आई लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे कहे के लिए लगे हुए हैं। चले चलिए चलिए जाइए अपने स्थान पे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ सारी बातें बता दी है, अब मुद्दा ही नहीं है, इसलिए अपने स्थान पे जाइए और प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। आपके मेंबर गए कैसे बोलेंगे यार, नहीं हो सकता, बैठाइए, मैं अवसर दूंगा, आप बैठाइए, मैं सबको अवसर दूंगा, लेकिन अपने लोगों को बैठाइए आप, नहीं तो देखिए विपक्ष पर सदन में सीएम नीतीश कुमार भड़क उठे, जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि मेरी पहल पर जातीय गणना हुई थी, हमने ही नवीन अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी, आप लोग बैठकर इस पर चर्चा करते लेकिन आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी गए इस मामले को लेकर के, तो विपक्ष पर सदन में भड़के हुए सीएम नीतीश कुमार आज नजर आए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा विशेष राज्य के दर्जे के मसले पर भी कि केंद्र सरकार ने और विशेष पैकेज विशेष सहायता जो है वो बिहार के लिए दिया भी है। तो विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन ये हंगामा देखने को मिला है। NH-77 के नाम से की गई थी जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। दूसरा है भवानीपुर मोड़ से डीजीपुर से एकमा होते हुए मटिहानी से हरपुर पथ, इस पथ की लंबाई 5.78 किलोमीटर है, जिसका निर्माण सिर्फ PMGSY अंतर्गत आदमपुर निस्फी भवानीपुर हरपुर नाम से की गई थी जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। तदनुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर दोनों पदों की मरम्मती उन्नयन हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। कब था श्री विश्वनाथ राम सब लोग हाय हाय। श्री प्रमोद कुमार पूछता हूं, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, अध्यक्ष महोदय वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न एक पुलिया एवं एक पुल से संबंधित है। PWD ढाका रोड से ग्रामीण कार्य विभाग के पथ टिकुलिया गांव जोड़ने वाला महादलित बस्ती एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय के निकट पुलिया, उक्त पुलिया PMGSY अंतर्गत निर्मित पथ L032 से ईस्ट टिकुलिया भाया धोबी टोला के आरेखन पर अवस्थित है जो क्षतिग्रस्त है।
क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नए 6M x। तो मानसून के सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई आप देख रहे थे। चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।